विहित कर्म जन्य धर्म है माने अदृष्ट रूप धर्म है। कोई कहते हैं नहीं विहित कर्माचरण ही धर्म है, उससे अपूर्व की उत्पत्ति बाद में होते है और हम देते नैयायिक कहते हैं विहित कर्म नहीं, विहित कर्म से जन्य धर्म, और मीमांसक कहते हैं विहित कर्म ही धर्म है, उससे अपूर्व की उत्पत्ति होते हैं अंतकरण या कर्म और वो फल देते हैं। कोई कोई बहुत विधिदार फलों की परिभाषा बताते हैं आपस पर गर्म सूत्र में, यज्ञ क्रियमाणं तो आर्या प्रशंसक्ति सधर्म, जो कोई काम हम करें और श्रेष्ठ पुरुष आर्य पुरुष उसकी प्रशंसा करें, जो वयोवृद्ध है भागवत में भी ऐसे तदेव सात्विकम विद्याद जज्जत वृद्धा प्रचक्षते निंदत्ति तामसम तत्व राजसम जदुपेक्षक, आर्य पुरुष जिसकी प्रशंसा करे बहुत बढ़िया काम किया, ओ बेटा शाबाश तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बड़े बुरे की तारीफ करें तो समझना कि धर्म हुआ। यज्ञ क्रियमाण आर्या ये धर्म जो है ये अंतकरण शुद्धि की खिंती है, हमारा मन बाहर बह न जाए, बेरास्ते घड़ा फूट न जाए, इसके लिए हमारे जीवन में धर्म चाहिए। धर्म चरित्र की पवित्रता धर्म का सार है। तीसरी बात ध्यान में रखने की है इंद्रियों का संयम, ये नहीं जो मन में आया सो बोल दिया, ये चुगलखोर है महाराज। जब तुम मन पर ब्रेक जीभ पर अपनी जीभ पर ब्रेक नहीं लगा सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारी किसी इंद्रिय पर ब्रेक नहीं होगी, इसको छोटी बात समझ लो। ब्रेक माने वारक, वारक जो बोलने का नहीं है वो मत बोलो, तब जो करने का नहीं है वो नहीं करोगे, जो भोगने का नहीं है वो नहीं भोगोगे, जो लेने का नहीं है वो नहीं लोगे। एक जीभ पर तो वारक नहीं है, ब्रेक नहीं है तो हाथ पर कैसे होगा, पांव पर कैसे होगा, और रसन इंद्रिय पर कैसे होगा, जनन इंद्रिय पर कैसे होगा। तो इंद्रियों में चाहिए संयम और मन में चाहिए सद्भावना। चादरी उपाख्यान में बृहत धर्म पुराण धर्म का सार बताया है, आप लोग कह देंगे ना कि हम धर्म जानते हैं, जानते हैं बाबा हमारा क्या धर्म है। उसने यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम कर्मणा वाचा सधर्मम वेद जाजले। जाजले जी तपस्या करने का नाम धर्म नहीं है कि जटा में चिड़िया घोंसला लगा के कुएं में घास पकड़ के बहुत दिन तक लटके रहे और तपस्या की, उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म क्या है बोले, जब दुनिया में कोई पापी न मालूम पड़े, सबके भीतर प्रकृति है, सबके भीतर ईश्वर है, सबका आत्मा साक्षी है और सब कर्म स्वरूप है। यदा अनुकूते भावम सर्वभूतेषु पापकम, किसी भी प्राणी के प्रति ये भावना न हो कि ये पापी है, माने पाप्याकार वृत्ति ही न हो अपनी,
जब हम किसी को पापी समझते हैं तो समझते हैं कि पापी बाहर है, गांव में है, दूसरे शहर में है, लेकिन जब उसको पापी समझते हैं तब तो वो पापी हमारे कलेजे में आ गया ना। ओ पापी, तो हमारा कलेजे ही पापी हो गया। जब अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य पापी अवच्छिन्न चैतन्य से एक हो जाता है तभी तो पापी का ज्ञान होता है। यदि तुम पापी हो तो मैं भी पापी, मैं और तुम दोनों पापी नहीं होंगे तो पापी को पापी पहचानेगा ही, पापी को पापी पहचानेगा ही तब जब वो पापी बने से परिचित है। देखो बात मुश्किल नहीं है, पर है वेदांत सम्मत। दुनिया में कर्म से, मन से, मन से किसी को पापी नहीं समझो, सबके प्रति सद्भाव रखो। और इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे हृदय को सबसे बढ़िया। देखो हमारे धर्म के जो बहुत से अंग हैं उनमें एक अंग है प्रार्थना। प्रार्थना को लेकर ईसाई धर्म जो है वो विश्व में इतना प्रचलित हुआ, उसने कर्मकांड को तो हमारे छोड़ दिया लेकिन हमारी प्रार्थना को ले लिया। बता हमारा वैदिक धर्म ईसाई धर्म से पुराना है, बल्कि बहुत लोग तो कहते हैं कि 16 बरस की उम्र से 20 बरस की उम्र तक ईसा मसीह का कोई जीवन नहीं मिलता है कि वो कहाँ रहे, तो उस समय वे भारत वर्ष में रहे और उन्होंने यहाँ का धर्म बौद्ध धर्म से उन्होंने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की। चरित्र की शिक्षा देने में देशी विदेशी नहीं देखा जाता, व्यवहार सुना स्वाम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्प मानवा। पृथ्वी का कोई भी मनुष्य हो बहुधर्माणम विवाच सब पृथ्वी सबसे सुप्त बोलता है, भले अनेक धर्मों के पालन करने वाले हों, बहुत भिन्न भिन्न विविध भाषा बोलने वाले हों, चरित्र की शिक्षा। अब आपको मुसलमान धर्म है ना, इस्लाम बोल ये महाराज नमस्कार आलंबित है, सारा का सारा नमस्कार जो हम करते हैं ना भगवान को नमस्कार करते हैं, नमस 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 नमांसी नमस नमसी नमः नमसी नमांसी नमश्च 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 नमांसी। लो झुको 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 नमस्कार करो, नम प्रभावे एक ही तो है नमस्कार, हमारे धर्म का एक अंग है नमस्कार, एक अंग है प्रार्थना। और नारायण ये जो तत्वोपासना है ना पारसी धर्म का एक अंग, समुद्र के जल की उपासना, अग्नि की उपासना, अग्निहोत्र, ये हमारे वैदिक धर्म की एक शाखा है, इनको पराया मत समझो। जैसे सयो वैष्णव हमारे वैदिक धर्म की शाखा है, वैसे इस्लाम कृष्ण पारसी ये सब वैदिक धर्म की शाखा है। हम किसी से डर वर्क नहीं भूलते हैं, नाराज हो पड़ते तो होके क्या करें, नंगे होके खड़े हो गए, एक दिन लंगोटी फेंक गए, चोटी कट गई, देव निकल गया, दोनों हाथ उठा के खड़े हो गए, उत्तर दिशा में जाते हैं, अब तुम क्या करोगे हमारा, लंगोटी भी तो नहीं है लेओगे, होते रहो नाराज। एक जरदृष्टि ऋषि थे, उनका नाम था जरदृष्टि ऋषि,
और एक थे वशिष्ठ ऋषि। तो सिंधु के इस पार वशिष्ठ ऋषि की प्रधानता में इंद्र की पूजा होते थे और सिंधु के उस पार जरदृष्टि ऋषि की प्रधानता में वरुण की पूजा होते थे। जरदृष्टि ऋषि का नाम वेदों वेद के ऋग्वेद के 30 मंत्र जिंदावस्था में जो पारसियों का धर्म है उसमें किंचित शब्दों के भेद से वही स्वर वही है वही ध्वनि वही शब्द है, बस विभक्तियों में फर्क है थोड़ा थोड़ा। जो कीर्तन है वो वैदिक धर्म की शाखा नहीं है तो क्या है। हम लोग आपो हिष्ठा भव भुवः करते हैं शरीर मासी काम करते हम वाक्य मासी ध्यानम गंभीरम बोलते हैं अग्नि नये शुभ ताराय बोलते हैं। तो ये अपना पराया करके जो भेद भाव पैदा करते हैं तो प्रार्थना करो भगवान से कि प्रार्थना भगवान हमारे हृदय को पवित्र कर। शंकराचार्य हाथ तोड़ के बोलते हैं अभिनयम अपनय विष्णो तमय मन समय विषय मृग कृष्णाम भूत दयाम विस्तार तारय संसार सागर कहा। हे प्रभु हमारे हृदय में जो बीमारी है दृष्टता ये जो विषय भोग प्राप्त करके या विषय संग्रह करके या दुनिया में कोई बड़ा काम करके दृष्ट होता है ना वही दृष्ट हो जाता है। हरिष्टो दृप्यति तृप्तो धर्मवते क्रामति। वेद भगवान का कहना है कि जो संसार के विषयों को पा करके हमारे पास इतना रुपया है कितना रुपया तारीफ करे, इतना रुपया है कि जब हमारे बेटे को मालूम पड़ा कि इतना रुपया है तो उसका दिमाग खराब हो गया पागल हो गया। ये है रुपये की तारीफ तो जो मौज होगी सुखाएंगे। हे भगवान हमारी दृष्टता मिटाओ अभिनय मिटाओ समय मन हमारे मन को काबू में कर दो। समय विषय मृग तृष्णा जो विषयों की मृग तृष्णा है ये मिले ये बढ़िया उसको मिटा दो। भूत दयाम विस्तार सब प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में दवा दया दो। ये अंतकरण की शुद्धि भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा अंतकरण शुद्ध हो हमारे हृदय में सद्भाव रहे सत्व संशुद्धि। उपासना पूरी कब होती है भागवत का कहना है जावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवं उपासीत मनोवाक् कायवृत्ति। जब तक संसार के संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव न हो जाए तब तक मन से वाणी से शरीर से मन इनकी वृत्तियों से इनसे उपासना नहीं होती। मन से उपासना नहीं होती मनोवृत्ति से उपासना होती वाक से उपासना नहीं होती वाक वृत्ति से उपासना होती शरीर से उपासना नहीं होती शरीर वृत्ति से कर्म से उपासना होती है। शरीर वृत्ति कर्म है वाक वृत्ति शब्द है मनोवृत्ति संकल्प विचार प्रार्थना है। इनके द्वारा भगवान की उपासना करे कब तक जब तक सब भगवान मालूम ना पड़े। ब्राह्मणे पुरुषेस्तेने ब्राह्मण्येर केश पुलिन्दके अक्रूरे पुरुषेचैको समद्रक पंडितो मतः भागवत का श्लोक। ब्राह्मण हो कसाई हो चोर हो ब्राह्मण भक्त हो सूर्य हो चिंगारी हो
अक्रूर हो क्रूर हो, सब में परमात्मा का जो दर्शन है यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। लो योग का सार क्या है? योग का सार माने हाथ पांव बांध लिया, बीच की रीढ़ सीधी की, जरा गले सिर को जरा ऊपर उठाया, आग की पुतली चाहे बंद की चाहे खुली रखी चाहे अधिकली रखी, और तम फोटो प्राणायाम सांस और सांस रोकना योगा कर रहे हैं। इसका नाम योगा नहीं है बेटा, योगा बोलते हैं क्योंकि आजकल चलता है योगा वेदांता, ऐसे छपता है इसलिए बोलते हैं, इसका नाम योग नहीं है। योग का सार है, अरे जो व्यवहार में नहीं आ रहा है वो काहे का धर्म, काहे का योग, काहे की उपासना, काहे का वेदांत, जो व्यवहार में जीवन में नहीं आ रहे हो योग का सार है। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा दुःखं दुःखं सहयोगी परमो मतः। मधुसूदन सरस्वती ने लिखा योगी दो तरह का होता है, एक अपर योगी और एक परम योगी, सहयोगी परमो मतः। तो जो समाधि लगा के एकांत में बैठता है वो अवर योगी है, अवर योगी है, अपर योगी, और जो खुले मैदान में चलते फिरते उठते बैठते अपने सुख दुख को दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख से एक करके, भाई कांटा गड़ने पर हमको तकलीफ होती है तो इसको भी तकलीफ होगी, गाली देने पर हमको तकलीफ होती है तो इसको भी तकलीफ होगी। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदिवा दुःखं। ये सड़क पर जोगी है, सड़क पर जोगी है, दुकान में जोगी है, परिवार में जोगी है, और परम जोगी है, सजोगी परमो मतः। अपर जोगी और परम जोगी का भेद करके टीकाकार ने हद कर दी हो। योग को हृदय में पहुंचा दिया, धर्म पुंडरीकम वेश में हो पहुंचा दिया, रथ में पहुंचा दिया, धर्म में पहुंचा दिया। आओ ऐसा जोगी योग का साथ, ये सत्व संशुद्धि, ये सत्व संशुद्धि है। कृष्ण हमने तो महाराज पहले पहल का ज्ञान नहीं है, सन्यासी नहीं था उसने, सन 26 में गया था ब्रज में और हमको भागवत कहना पड़ा, थोड़ा सा बात कुछ तो मैंने कृष्ण को भगवान, कृष्ण को परमात्मा ऐसे कह दिया। और सामने वाला रसिक बिगड़ खड़ा हुआ, तुम हमारे नंद नंदन को, श्याम सुंदर को, मुरली मनोहर को, हमारे राधा रमण प्राण प्यारे को परमात्मा कहते हो? राम 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 राम, अभी तुम ब्रज में नहीं आयो कभी? ना बाबा अभी तो नहीं आए। तत्व तो उनके यहाँ बड़ी छोटी चीज है, उससे बड़ा परमात्मा है, और परमात्मा से बड़ा भगवान, और भगवान से बड़े कृष्ण है। बोला ये सट संदर्भ में एक क्रम रखा हुआ है, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, और भगवत संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ, छह संदर्भ हैं। उन छहों में तत्व तो ब्रह्म है और परमात्मा तो सगुण है, भगवान तो साकार है, और सब साकार भगवानों से बड़े हैं श्री कृष्ण। उनकी भक्ति क्या नहीं, भक्ति से बड़ी प्रीति है। ये सट संदर्भ है श्री जीव गोस्वामी का, भगवान कहने से काम नहीं चलेगा। अरे भगवान को लाओ मैदान में, कहाँ रखा है साथ में आसमान? अरे भगवान तुम कैसे हो, मैं बाजार में घूमता हूँ तुम मौज करते हो?
आओ हमारे साथ जरा जरा चलो कालमा देवी रोड पर, तब पता लगेगा तुमको भी कैसे भगवान है। क्या कोर्ट क्या बोलते हो ना, जिधर जाते हो कोर्ट कोर्ट, अरे कोर्ट की कोर्ट दोनों। भगवान जब हमारे साथ साथ चले तब मजा आवे। अब तुम तो भगवान को बकस में बंद करके ताला लगा के जाते हो, क्योंकि चांदी सोने की मूर्ति होगी तो कोई चुरा ना ले जाए, तो बंद करके चले गए। सोने के हैं कलश कंदूर, आओ चलो जरा भगवान को अपने साथ ले चलो। ज्ञान का सार ये है, सर्वावस्थित रस रस को विषय, हम जहां हैं जैसे हैं जो ये शुद्ध अंतकरण है, शुद्ध अंतकरण। संपूर्णं जगदेव नंदन वनं सर्वे कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्त वारिवा पुण्या समस्त प्रिया वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थि निरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। परमात्मा का दर्शन ज्ञान का सार क्या है, संपूर्ण जगत नंदन तन है, सब वृक्ष कल्प वृक्ष है, समस्त जल गंगा जल है, सारी क्रिया संस्कृत में बोलो कि भाखा में भाखा अथवा संस्कृत करत भेद ब्रह्म छेद, विचार सागर वाला बोलता है। भाषा में बोलो, संस्कृत में बोलो, ज्ञान का आदर करना है कि भाखा का आदर करना है, भाखा कोई भी वेदी लोग भाषा बोलते हैं और ये जो वेदी लोग भाखा बोलते हैं, ये भी वैदिक है भाषा और भाषा। सर्वावस्थित हम जब है जहाँ है जो है जैसे है परमात्मा में स्थित है, ये है वेदांत का सार। हाँ तो गीता वाली बात है ना, क्या कहते हैं, और ये सन्यासी लोग वेदांत को उठा के ले गए थे हिमालय पहाड़ पर और जंगल में, और तो कृष्ण ने उठा छीना, ए बाबा जी लोग वेदांत को झोपड़ी में मत रखो, यहाँ ले कहाँ का युद्ध भूमि है, ये अरण्य नहीं है रण भूमि है, यहाँ बोले सन्यासी होंगे तब के लिए वेदांत, बोले नहीं नहीं ये देखो अनुभूति है, यहाँ के युद्ध भूमि में वेदांत ले आया, सन्यासी के लिए नहीं एक योद्धा के लिए वेदांत, लड़ो लड़ते जाओ तुम ब्रह्म, अरे तुम्हारे काम की बात है। और उपदेशक भी कोई शंख चक्र गदाधारी नहीं, अरे नहीं वो छत्रधारी नहीं, वो चमरधारी नहीं, सिंहासन वाले नहीं, कौर घोड़े की बागडोर हाथ में और चाबुक हाथ में, और ऊंचे बैठ के नहीं हो, बैठा छोटी जगह पर उपदेश कर रहा है रथी को, सारथी हो गए रथी को उपदेश कर रहा है, ये गीता का ख्याल है। आओ आपका अंतकरण शुद्ध सत्व संशुद्धि, प्रार्थना करो भगवान से, किसी में बुराई मत देखो, प्रार्थना करो भगवान को, नमस्कार करो भगवान का, चिंतन करो स्मरण करो, सबसे सुगम बात यही है। यहाँ एक लड़की थी, वो उसका किसी से प्रेम हो गया था, पर जिससे प्रेम हो गया था वो भिखारी था, तो घर के लोग बहुत समझावे कि बाबा इस भिखारी से ब्याह करके क्या करेंगे, मेरे पास आए तो महाराज आप इसको समझाओ, मैंने कहा देखो हम ऐसे नहीं समझा रहे, हमारे सामने कोई बढ़िया सा लड़का ले आओ, तब हम इस लड़की को दिखावे ये नहीं ये,
आया समझ? आप लोग तो बड़े समझदार, ऐसे समझने से नहीं, समझाने से नहीं बनता है। जहां उसका मन फंसा है उससे अच्छी चीज उसके सामने ला के रखो तो उसके लिए आलम्बन चाहिए। एक लड़का आया अमेरिका से, महाराज इंजीनियर है वहां, बड़ा स्वस्थ है, सुंदर है। लड़की को बुलाया, देख इसके साथ तेरा ब्याह करना चाहता है। हाँ महाराज आप किया, बस हो गया, चलो। तो आप लोग कभी वृंदावन में गए थे क्या? बिल्कुल गए। यमुना तट निकट स्थित वृंदावन कानने महारम्य, शंकराचार्य का श्लोक है, कल्पद्रुवतल भूमौ चरणं तरणौ परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तं यः विश्वं पीताम्बर परिधानं चंदन संगतं। देखो तो एक बार, ओ मुरली मनोहर पीताम्बर धारे सामराज सलोना, कितने वेदांती घटाकाश मठाकाश है, और अवच्छेद का अवच्छेद का विचार करके वृंदावन में महाराज दूर में लौटते हैं। देखो तो उस सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार को बहुत तिरछी प्रेम भरी आंखें, वो मंद मंद मुस्कान, जब उसको देखोगे तब ये जो दुनियादारी का आकर्षण है ये छूट जाएगा, भक्ति हृदय को छूट जाएगा। ये भावना है, सद्भावना, भगवान से पहले देख के फिर प्रेम नहीं होगा, पहले तो प्रेम करोगे। गोपियां गोपियों ने पहले देखा फिर प्रेम किया, उसमें भी पहले सुनना है फिर देखना। तुम सुनो और सुन के भगवान से प्रेम करो, और वो रस जब मजा आवेगा ना, सुखमेव लब्ध्वा करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति। उपनिषद का कहना है कि जब पहले तुमको मजा आ जाएगा ना, जब फंसोगे कृष्ण से तब दुनिया में जो फसाव है वो छूट जाएगा, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। अशुद्ध का चिंतन ही अंतःकरण की अशुद्धि है, और शुद्ध का चिंतन ही अंतःकरण की शुद्धि है। और अच्छा भाई, मन को समेटो, एक स्थिर करो। तो लोगों के साथ व्यवहार में तो यम चाहिए, सत्य हिंसा अस्ते, और अपने लिए तपस्या शौच स्वाध्याय संतोष स्वरम पढ़ना, व्यक्तिगत जीवन की वस्तु नियम, नियम व्यक्तिगत है और जम सार्वभौम, ये योग दर्शन में ये बात है। सार्वभौम महाप्रतम, और नियम है अपने व्यक्तित्व को पवित्र करने के लिए, आसन है शरीर को दृढ़ करने के लिए, जिसका आहार और आसन ठीक ठीक है उसकी आयु भी लंबी हो जाती है। आयु बढ़ाने की युक्ति है आहार ठीक रखो और आसन दृढ़ रखो और इंद्रियों में संयम रखो। चलो देखो सत्य संशुद्धि हो जाएगी, शरीर में आसन, लोक व्यवहार में यम सत्य हिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, और व्यक्तिगत चारित्र में तपस्या शौच स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रदान, और शरीर में आसन, और प्राणों के लिए क्रिया, क्रिया का नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम, और इंद्रियों के नियंत्रण के लिए प्रत्याहार, और मन को एक स्थान में बांधने के लिए धारणा,
अमुक काल तक बांधने के लिए ध्यान और अमुक वस्तु में बांधने के लिए समाधि और फिर ध्याता ध्यान देने की त्रिपुटी मिट गई, समाधि लग गई, दृष्टा ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित और सत्व संशुद्धि। ये सब अंतःकरण शुद्धि की प्रक्रिया है। धर्म, उपासना, योग, ये सब अंतःकरण शुद्धि के परंपरागत साधन है। जन्म मरण करणादिगत जो भेद है वो साक्षी को भिन्न कैसे बनावे? उपाधिगत जो भेद है वो नारायण उपहित को भिन्न भिन्न कैसे करेगा? कोई सुख शांत में योग में कोई सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा को साक्षी देवता को अलग अलग करते, एक हो देव साक्षी चेता देव निर्गुण शिक्षक। देखो ये स्थिति शुद्ध हो गई, सुदृढ़ हो गई, किसी साक्षी को परमात्मा होता है। तो सत्व संशुद्धि का अर्थ है अपने भाव को शुद्ध करो, अपनी स्थिति दृढ़ निसंकल्प निर्विषय, एक मिनट को निसंकल्प रहो। एक बात बता देते हैं फिर आप, और अब लिखी जाएगी ना मुश्किल तो ये, यदि सब बात देहाती ढंग से ही घूमे तो कोई पंडित पढ़ेगा तो कहेगा कि मूर्ख है, तो उस मूर्ख कहलाने का भी डर रहता है। नहीं तो हम बात तो सब देहाती ढंग से कह सकते हैं। हम जब सुनते हैं ना रेडियो पर कभी देहाती प्रोग्राम तो हमको भी याद आती है कि हम भी ऐसे अभी गए थे केदारनाथ, भाई इतने प्रेम से ले गए, इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा, बीच बीच में घंटे भर सत्संग तो हो जाता था जरूर, लोग प्रश्न करते थे। वसंत कुमार और सरदार दोनों पति पत्नी तो जैसे मिला उनको हाथ पर उठा के देखे, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो बात मैंने ये क्यों कही, जो कही कि वहां जब खाली रहता था ना तो अपने गांव की बोली याद करता बोलता भी था, लोगों से बातचीत भी करता, लागल युवा करे जो हमें आग संगे तो हरे दे। का तू यहाँ के डगरिया भुलैदा, का कहीं फिर खेलेला आग, का कहीं पैरिन धाय के रुकलस, का तू पियले बाटा भांग, ला गली बात करें जब हमने आप। हम ये देखो प्रेम की बड़ी भारी बात है, भक्ति की बात है। जगन्नाथ दो रहे लोग डगरिया बोल में ले गए, वो डगर नहीं बोला रास्ता नहीं बोले, क्या तब क्या कबूत तुमके छिपी छिपी के देखे हैं, वो तुमको छिप छिप के देखते रहते हैं। पूरा समझा दीजिए, जानने अब समझा दीजिए, हमको तो केदारनाथ की बात सुन, कई बार हेम लता ने तो कई बार कहा केदारनाथ की बात सुना, अब कहा सुना मैं, इतना प्रेम इतनी सेवा कि हम तो जैसे ही भूल गए केदारनाथ के ऊपर चार ओर तो बर्फ बर्फ, घर में ही बर्फ थी, घर में भी बर्फ थी, वो हमारे उसको लेकर बहुत बढ़िया मकान है केदारनाथ। माँ का आश्रम में, माँ के आश्रम में हमको बिरला जी के निकेतन में, और इनके तीन दिन तो रहे राम बाड़ा, इतनी सेवा इतनी प्रेम ले, इतना प्रेम लेके आए कि हम कह जाए कि हम फिर आए। मैंने कहा तुम लोग मत आना, अब मैं अकेले जाऊँ, बोल वाह 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 वाह, ये ऐसा कैसे होगा, आप आवेंगे और हम लोग नहीं आ, हमको छोड़ के आना। अब लौट आए सब आनंद से बिरला जी पंचायत पैदल यात्रा करने पहुंचा, तो उनकी चर्चा देखो पंडिताई मिला, विश्वेश्वेश श्री विश्वेश्वर श्री विश्वेश्वर संधान गिर संदेव नाना विभा,
शंकर जी जिनका निवास करते हैं ऐसे बहुत से पहाड़ हैं। जे शाम सेवन पूजना रहेम सिद्धि लभन्ते जनाः, जिनके सेवन पूजन से लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। परंतु केदाराचल चुंबिनी रस नदी मंदाकिनी वायु शुद्धिया सिद्ध पदार्थ बोधन विधौ वेदां अतिक्राम्यति। परंतु केदार पर्वत का चुंबन करके ये जो रसमयी नदी मंदाकिनी बहती है, ये अपने वायु के झोंकों से अंतकरण शुद्ध करके तत्व ज्ञान के संबंध में वेदों का भी अतिक्रमण कर सकते। वेदों में बहुत विचार विचार करना पड़े तब हो, यहाँ तो इसके वायु के जो झोंके हैं। कैलाश एको विलास कनक खनक रहू कह सुमेरऊ प्रकाश। कैलाश में गौरी शंकर क्या विलास करते हैं और सोने के पहाड़ सुमेरु पर क्या चमक है हमको मालूम है। विंध्य कस्त्यावनम्रे विनय रस धरी के चिन्ह जाने। अगस्त जी के लिए झुके हुए विंध्याचल में विनय रस का क्या झरना बहता है सबको हमको बिल्कुल मालूम है। केदार उदार लीला विदसति पुरतः, केदार पर्वत की उदार लीला हमारे सामने चमक रही है। या हृदय क्षेत्र कल्पे धर्म्यम बोधस्य बीजम भवति फलमलम निर्मलम यस्य मोक्षः। केदार पर्वत की ये उदार लीला हमारी आंखों के सामने दिख रही है, जो हमारे खेत के समान हृदय में धर्मानुकूल बोध का धर्मानुकूल बीज वपन करती है, जिसमें निर्मल मोक्ष रूप फल लगता है, तीर्थ यात्रा भी शुद्ध करती है, सत्व संतुष्टि अंतकरण शुद्धि तीर्थ यात्रा समता। किस सेठ का मकान है, किस सेठ का बगीचा है, किस सेठ का झरना है, अरे ना ना देखो ये किस फैक्ट्री में ये बर्फ बनाए, किस फैक्ट्री में ये बर्फ बनाए हो, किस देश का ये पहाड़ है, किस देश की ये नदी है। निर्मम वस्तु का दर्शन करने से अंतकरण भी निर्मम हो जाता है, सत्व संग शुद्धि और अंतकरण की शुद्धि। हाँ एक बात वो तो मैं कहने जा रहा था ना, कह देना चाहिए नहीं तो देखो ये निष्काम मिल सकता है ना अखबारों में। आजकल पत्रिकाएं बहुत चाहते हैं निष्काम हो जाओ, निष्काम हो जाओ। महाभारत का कहना है कि मनुष्य निष्काम नहीं होता है। अकामस्य क्रिया काचित विद्यते देह कर ये, निष्काम होगा तो काम कैसे करेगा। जब जब विकुरुते जंतु तत्त काम से तब देखो सत्व शुद्धि का गुण वहां जाकर पूरा होता है जब हमारे भोक्ता पदे की क्रांति छूट जाती है। जब हम में भोक्तापन नहीं रहेगा तो विषय में भोग बना नहीं रहेगा, और जब विषय में भोग बना नहीं रहेगा तो तद विषय कामना नहीं रहेगी। जब तक हम संसार के वस्तुओं में सुख दुख की कल्पना करके और उनसे सुखी दुखी होते रहते हैं तब तक निष्कामता पोथी में छपी रहती है। जब तक अपने अभोक्ता स्वरूप का भोक्ता अभोग्य भोग्य त्रिपुटित विनिर्भक्त ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक सच्ची निष्कामता नहीं आती है। नहीं तो रोज हाथ जोड़ के महामंडलेश्वर जी महाराज बैठते हैं, आप रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो, बता दें आप काम कामाय मह्यम कामेश्वरो महाराज मैं कामी हूं, अत्यंत काम काम आया, मैं विषयों की कामना वाला हूँ और आप कामेश्वर हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण कीजिए
हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, सिर पटको, कभी पूरी होए कि न होए, पूरी तो भगवान ही करेंगे। राजा विराजाय प्रसिताय नमो वयम वैष्णव, मैंने बहुत किया ऐसे पर मैं ये नहीं सोचता, ये सोच के नहीं करता था कि इसमें ये बात कही हुई है, ये सोच के करता था कि मंडलेश्वर जी के सामने जब रोज आरती होती है तब ये बोलना जरूरी है। राजा नमो वयम वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेर जी हमारी कामना पूरी करें, कामना बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी, जब तक आप अपने असंग साक्षी निर्विकार ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक कामना बनी रहेगी। इसलिए सत्व संशुद्धि का अर्थ है कि कामना रखने दो पर शुद्ध कामना, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो ये कामना, हमें भगवान मिले ये कामना, हमें भगवान से प्रेम हो ये कामना, हमारे हृदय में जिज्ञासा हो ये कामना, हमको तत्व ज्ञान हो ये कामना। कब तक? जब तक परिच्छिन्नता की भ्रांति नहीं मिट जाती है तब तक अंतःकरण शुद्धि के लिए नारायण हरि से लागा रहुरे भाई तेरी जनत जनत जन जाए। अब आगे की बात कल सुनाएंगे।